हेलो दोस्तों, मैं कुणाल। जैसे कि आपको पता है, मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट करी है, बेस्ट फोन ऑफ द मंथ और वर्स्ट फोन ऑफ द मंथ। ये कुछ फोन्स हैं जो अगस्त मंथ में लॉन्च हुए हैं। ओप्पो F9 प्रो, MI A2, मोबी स्टार X1 डुअल, नोकिया 6.1 प्लस, पोको F1, ऑनर प्ले, हुआवी नोवा 3, हुआवी नोवा 3i, LG G7 प्लस थिंक यू, इनफिनिक्स स्मार्ट 2, इनफिनिक्स नोट 5, ब्लैकबेरी की 2, Realme 2, और अगर मैं किसी फोन का नाम भूल गया हूँ तो प्लीज यार माफ कर देना। और इन सब फोन्स में से जो फोन मैंने पिक करा है वर्स्ट फोन ऑफ द मंथ में, वो फोन मैंने बहुत कोशिश करी यूज करने की, बिकॉज किसी फोन का रिव्यू करने से पहले या अपने ओपिनियन देने से पहले मैं कोशिश करता हूँ एटलीस्ट उस फोन को एक हफ्ता या फिर 10 दिन तो यूज करूँ। मैंने बहुत ट्राई करा बट एक दिन से ज्यादा मैं इस फोन को यूज नहीं कर पाया। मैंने अपनी सिम कार्ड निकाली और वापस अपने फोन में डाल ली। ये पड़ा है फोन। इससे पहले मैं आपको फोन दिखाऊं, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप लोग भी थोड़े स्मार्ट बनो। क्या चल रहा है आपको शायद नहीं समझ आ रहा, बट अगर कोई फोन का गिव अवे कर रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि फोन बहुत अच्छा है। आप सपोर्ट कर देते हो ऐसी कंपनीज को, ऐसे ब्रांड को, जिसकी वजह से कई कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो हमारी बातों में आके फोन परचेज कर लेते हैं। मैं तो खैर ऐसे ब्रांड्स को प्रमोट नहीं करता, जो फोन अच्छा नहीं होता मैं बता देता हूँ क्लियरली आपको। बट गिव अवे देख के वीडियो को लाइक करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना कि वाओ फोन का डिजाइन बहुत अच्छा है, तो ये यार सही नहीं है, बिकॉज ये एक बजट प्राइस सेगमेंट का फोन है और बजट प्राइस सेगमेंट के फोन वही लोग खरीदते हैं जिनका बजट काफी कम होता है, जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए या फिर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हो गए। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। ये है वो फोन। इस फोन का नाम है मोबी स्टार X1 डुअल। अब इस फोन की सिर्फ 3 चीजें हैं जो मुझे पसंद आई है, तो सबसे पहले मैं वो 3 चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले इस फोन का डिजाइन आप देख सकते हो, कर्व ग्लास मिलता है पीछे की तरफ और फ्रंट में भी 2.75D कर्व ग्लास मिलता है, जिसकी वजह से जो डिस्प्ले है वो काफी अच्छी लगती है। इन्होंने कोशिश करी है सैमसंग S9 प्लस की तरह कर्व डिस्प्ले देने का, बट ये सिर्फ ग्लास कर्व्ड है, जो डिस्प्ले है वो पूरी कर्व नहीं है। एच स्क्रीन वाले फीचर्स आपको इस फोन में नहीं मिलते हैं। दूसरा, इस फोन का जो फेस अनलॉक है वो लो लाइट कंडीशंस में भी वर्क कर जाता है, जो कि नॉर्मली बजट प्राइस सेगमेंट के कुछ फोन्स हैं जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते लो लाइट कंडीशंस में, बट इसकी जो ब्राइटनेस है वो फुल हो जाती है और ये मतलब 10 out of 8 times प्रॉपरली वर्क कर जाता है। बात करें अगर इस फोन के प्राइस की, तो ये फोन आता है 10,500 रुपये में और 10,500 रुपीज़ के अंदर आपको क्या क्या इस फोन में मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इस फोन में जो प्रोसेसर मिलता है वो सबसे बड़ी एक ऐसी चीज़ है जो आज की डेट में हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। 2018 में 10,500 रुपये के अंदर मोबी स्टार ने हमें दिया है मीडिया टेक का MT6737 क्वाड कोर प्रोसेसर। ये प्रोसेसर ना 4,000 से 5,000 रुपये के फोन में भी अगर होता ना, तो भी शायद मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता कि आप ये फोन परचेज करो, बिकॉज मोबी स्टार ब्रांड बुरा नहीं है। मोबी स्टार का एक फोन आता है मोबी स्टार CQ, जिसका प्राइस है 5,000 रुपीज और उसमें मिलता है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 425। अब जो स्नैपड्रैगन 425 है ना, वो फार बेटर प्रोसेसर है अगर कंपेयर करें मीडियाटेक MT6737 से। तो 10,500 रुपये में ये प्रोसेसर देना और 5,000 रुपये के अंदर स्नैपड्रैगन 425 देना, ये कुछ समझ नहीं आया। इवन दो 10,500 रुपये में भी अगर ये स्नैपड्रैगन 425 देते तो वो कोई समझदारी वाली बात नहीं होती, बट इन्होंने तो उससे भी ज़्यादा बेकार प्रोसेसर दे दिया। अब आप सोच रहे होगे मैं प्रोसेसर को लेके इतना ज़्यादा हाइप क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, बिकॉज एक दिन मैंने इस फोन को यूज़ करने की कोशिश करी बट यूज़र इंटरफेस के अंदर और सोशल मीडिया ऐप्स जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक में यूज़ कर रहा था, तो मुझे इतने ज़्यादा लैग्स इसमें देखने को मिले। इंस्टाग्राम पे लोगों से बात करते हुए, मैसेजेस का रिप्लाई करते हुए, इवन जब मैं टाइप कर रहा था तब भी फ़ोन लैग हो रहा था, मल्टीटास्किंग करते टाइम फ़ोन लैग हो रहा था। अगर बात करें गेमिंग की, तो यार मैं क्या ही बताऊँ, इस फ़ोन के अंदर माली T720 MP2 GPU मिलता है। पबजी तो आप भूल ही जाओ कि आप इस फोन में खेल सकते हो। एस्पेल रेट मैंने इस फोन में खेली हाईएस्ट ग्राफिक सेटिंग्स पे और मुझे काफी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिले, जैसे कि आप इस गेम प्ले में देख ही सकते हो। इवन जब मैंने गेम को स्विच करा मीडियम ग्राफिक्स पे, उसके बाद भी काफी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स और लैग्स देखने को मिल रहे थे। गेमिंग के लिए तो ये फोन बना ही नहीं है।
इस फोन के अंदर बेस्ट फीचर क्या है। कंपनी ने हाइप करी कि इसके अंदर फ्रंट कैमरा मिलते हैं, मतलब डुअल फ्रंट कैमरा के साथ ही आता है, 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है। ब्रांड ने बोला वाइड एंगल सेल्फी कैमरा मिलता है, उसी के हिसाब से सबने वीडियोस बना दी कि हाँ भाई इसका फ्रंट कैमरा जो है वो वाइड एंगल है। आप मुझे एक चीज बताओ, 10,500 रुपए खर्चोगे आप एक वाइड एंगल कैमरा के लिए जिस फोन का ना तो प्रोसेसर अच्छा है, मल्टीटास्किंग करते टाइम लैग्स देखने को मिलते हैं, सोशल मीडिया एप्स करोगे तो भी काफी सारे लैग्स देखने को मिलेंगे, गेमिंग आप कर नहीं सकते, तो सिर्फ एक वाइड एंगल सेल्फी लेने के लिए आपके 10,500 रुपए इस फोन पे खर्चोगे कि ये फोन का डिजाइन बहुत बढ़िया, सिर्फ इसलिए 500 रुपये और डालोगे ना तो ओप्पो रियलमी 1 मिल जाएगा जिसमें मीडियाटेक हीलियो P60 मिलता है। और मैं कंपेयर भी नहीं कर सकता मीडियाटेक का जो P60 प्रोसेसर है उसको मीडियाटेक के MT6737 प्रोसेसर के साथ जो इस फोन में दिया है। 500 रुपये कम डाल के रेडमी Y2 ले लो आप, उसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 मिलता है और कमाल का कैमरा मिलता है, उसका जो पोर्ट्रेट मोड है वो 10,000 रुपये में, उससे बढ़िया पोर्ट्रेट मोड मैंने किसी फोन में नहीं देखा। और 10,500 रुपये इस फोन पर स्पेंड करना बिल्कुल भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको मतलब हाथ जोड़ के बोलूँगा कि प्लीज़ इस फ़ोन को परचेज़ मत करना, ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है और बहुत ज़्यादा हैंग होता है, बहुत ज़्यादा लैग्स देखने को मिलते हैं। ये कुछ कैमरा सैंपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, वो जो वाइड एंगल सेल्फीज़ की मैंने बात करी वो सेल्फीज़ हैं और रेयर कैमरा से मैंने कुछ शॉट्स लिए हैं। ये सेल्फी मैंने कैप्चर करी थी वेललिट कंडीशंस में और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जूम करने के बाद मेरे फेस पे इनफ डिटेल्स ही नहीं है अगर आप मेरी बियर्ड की तरफ ध्यान से देखोगे। और ये इमेज मैंने कैप्चर करी है इसके 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस से, यहाँ पे आप देखोगे मेन सब्जेक्ट पे भी इनफ डिटेल्स नहीं है और बैकग्राउंड में ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको वॉर्प कर देता है जिसकी वजह से ओवरऑल इमेज काफ़ी अनरियलिस्टिक लगती है। ये सेल्फी मैंने कैप्चर करी है लोलाइट कंडीशंस में और आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा नॉइस देखने को मिली है, डिटेल्स तो आप मतलब भूल ही जाओ, ऐसा लग रहा है किसी वीजे कैमरा से मैंने ये इमेज कैप्चर करी है। और जहाँ तक रही बात डेडिकेटेड फ्लैश की, फ्लैश ऑन करने के बाद भी आप देखोगे इसने नॉइस को रिड्यूस नहीं किया है, काफ़ी ज़्यादा नॉइस देखने को मिल रही है और जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो तो पूरी तरह से ब्लोन आउट हो गया है। जिसने बोला ना इसका फ्रंट कैमरा बहुत कमाल का है उसके मुँह पर दे के मारो ये फ़ोन। और उसका रेयर कैमरा भी काफ़ी एवरेज परफॉर्म करता है बिकॉज इस सैम्पल शॉट में आप देखोगे जो कलर्स हैं वो तो ये काफ़ी नेचुरल कैप्चर कर लेता है लेकिन जो इमेज में डिटेल्स हैं वो इनफ देखने को नहीं मिलती। और लोलाइट कंडीशंस में तो ये इमेजेस कैप्चर करने के लिए बना ही नहीं है बिकॉज बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ देखने को मिली है। फ्लैश ऑन करने के बाद जो रिजल्ट्स है वो थोड़े इम्प्रूव हो जाते हैं बिकॉज आप देखोगे नॉइज़ थोड़ी रिड्यूस हो गई है। फाइनली एंड में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यार अगर मूवी स्टार से कोई मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो आप लोगों ने बहुत पैसा खर्चा है प्रमोशन पे, अलग अलग सेलिब्रिटीज़ से इंस्टाग्राम पे इसकी वीडियोस डलवाई हैं फ्रंट कैमरा यूज़ करते हुए सेल्फीज लेते हुए, अलग अलग यूट्यूबर्स इसके गिव अवे करवा दिए हैं और कुछ यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने इस फ़ोन की वीडियो ही नहीं बनाई, उनको पता था ये फ़ोन अच्छा नहीं है। तो आप ये चीज़ को समझो कि अगर आप 10,500 रुपये में एक बेकार प्रोसेसर दोगे, कैमरा अच्छा नहीं दोगे और कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है सॉफ्टवेयर की उनको इम्प्रूव नहीं करोगे तो आपके फ़ोन्स कोई भी नहीं परचेज करने वाला, ये वाइड एंगल फ्रंट कैमरा देने से कुछ नहीं होने वाला। आप नए नए इंडिया में आए हो और अगर आपको यहाँ पे ग्रो करना है तो आपको हार्डवेयर अच्छा देना होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट्स देने होंगे टाइम टू टाइम, सिक्योरिटी पैच अपडेट्स देने होंगे जिससे ऑडियंस के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। मुझे अच्छा लगा कि आपने फ़ोन में एटलीस्ट एंड्रॉयड 8.1 ओरियो दिया है बट स्टिल आपको फ़ोन का जो हार्डवेयर है और जो कैमरा है और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तभी आप ग्रो कर पाओगे, अदरवाइज जितना मर्जी प्रमोशन पे पैसा खर्च लो आपके फोन्स कोई नहीं परचेस करेगा। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।